नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार 10 रनों की पारी खेलने के बावजूद भी रोहित शर्मा ने बनाई ये बड़े बड़े रिकॉर्ड, और वहीं इस मामले में रोहित शर्मा ने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे। तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार मात्र 10 रन बनाने के बाद भी रोहित शर्मा ने कौन सा वो बड़ा इतिहास रचा है उसके बारे में। और वहीं दोस्तों इसी एक वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार शिखर धवन ने 74 रनों की पारी खेलने के बाद वो कौन से बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। सभी रिकॉर्डों के बारे में हम आपको जानकारी बताएंगे, तो आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो वहीं दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा और शिखर धवन को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जिसके आप सभी को पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज यानी कि 14 जनवरी के दिन पहला वनडे मुकाबला खेला गया। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले टॉस जीतते हुए भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। तो इसी के चलते भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा ने मात्र 15 गेंदों में 10 ही रन बनाए। वहीं शिखर धवन का आज कमाल देखने के लिए मिला और उन्होंने 91 गेंदों में 74 रनों की बेहतरीन पारी खेली। तो वहीं रोहित शर्मा के आउट होने के बाद साथ देने आए शिखर धवन का केएल राहुल, और उन्होंने भी काफी अच्छी बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 61 गेंदों में 47 रन बनाए। तो वहीं दोस्तों विराट कोहली ने आज के इस मुकाबले में रन बनाए। बाकी टीम के आप सभी पूरे खिलाड़ियों के स्कोर कार्ड को भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ऋषभ पंत ने 28 रन बनाए, रविंद्र जडेजा ने 25 रन। तो भारतीय टीम ने दोस्तों आज के इस मुकाबले में 49.1 गेंदे खेली और 255 रन बनाए, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 256 रनों का लक्ष्य दिया। तो अब दोस्तों बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 रनों के छोटे स्कोर पर भी रोहित शर्मा ने कौन सा वो विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है उसकी। तो आइए चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आखिरकार रोहित शर्मा ने वो कौन सा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है जिसमें उन्होंने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों ये जो रिकॉर्ड है वो कोई और रिकॉर्ड नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम ग्राउंड पर सबसे तेज 1000 रन पूरे करने का खास रिकॉर्ड है, जो कि आज रोहित शर्मा ने अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने ये कारनामा केवल 18 पारियों में अपने होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 रन पूरे करके किया है। लेकिन वहीं सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने ये बड़ा कारनामा 19-19 पारियों में किया था। तो जिसके चलते आज रोहित शर्मा ने ये बड़ा रिकॉर्ड जो कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का था उसे तोड़ दिया। तो अब दोस्तों आइए चलिए बात करते हैं दूसरी खबर की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि शिखर धवन ने बनाया ये महारिकॉर्ड, किया ऐसा कारनामा अभी तक केवल 5 ही भारतीय कर चुके हैं ऐसा। तो आइए चलिए दोस्तों बताते हैं इस खबर को भी आपको। तो वही दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला गया, तो इसी दौरान शिखर धवन ने 50 रनों की पारी के, तो इसी के चलते 50 रनों की पारी के दौरान शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 या फिर उससे ज्यादा वनडे रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। जी आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने आज 1000 वनडे रन पूरे कर लिए, जिसके चलते वो तीसरे भारतीय ओपनर बल्लेबाज भी बन गए। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे स्क्रीन के सामने लिस्ट में देख पा रहे होंगे कि शिखर धवन से पहले सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 या फिर उससे अधिक रन अपनी सरजमी पर बना चुके हैं। लेकिन दोस्तों आज शिखर धवन ने भी ये कारनामा करके एक बड़ा इतिहास रचा, और उन्होंने 25 वनडे मैचों की 25 पारियों में 44.78 के औसत के साथ 1030 रन बना चुके हैं, और इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 3 अर्धशतक निकले। तो ऐसे में दोस्तों अब आपका क्या ख्याल है शिखर धवन और रोहित शर्मा के बारे में, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट और जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली एक ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।